वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मैं आपको मिरर फॉर्मूला कराने जा रही हूँ, यानी कि अपना लाइट एंड रिफ्लेक्शन जो चैप्टर है पूरा का पूरा, जिसमें हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सबसे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स है ना, वो मैं अपने इस वीडियो में कराने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ पहले कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का इमेजेस बनाना सीख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो हो पाएगी। पर बेकार है आपका समझना, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि हमने नाइन्थ पढ़ ली और टेंथ पढ़ी नहीं है और टेंथ के सवाल करने बैठ गया, खैर बेकार है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी मिरर फॉर्मूला। अभी यहाँ हम दो की बात करेंगे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जिसकी कॉन्केव मिरर जो होता है वो फिलहाल देखा जाए तो इन फॉर्मूले में मिरर की पोजीशन का इमेज का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी बना सकते हैं ऐसा है। मतलब इनकी इमेजेस वगैरह, इमेजेस बनने के बाद इनका डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये है, 1/f, 1/v प्लस 1/u। बस ये फॉर्मूला हमें यूज करना है फिलहाल, अभी ये फॉर्मूला हमें यूज करना है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ठीक है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि ये सब क्या है, एफ क्या होता है। एफ जो होता है ना, एफ होता है फोकल लेंथ, मिरर वो मिरर की कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो उसकी फोकल लेंथ को कहते हैं, ठीक है। वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, अभी सब पता चल जाएगा धीरे धीरे, जैसी वीडियो आगे बढ़ेगी सब पता चल जाएगा। इमेज डिस्टेंस होता है अपना, सॉरी बी होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है अपना यू, ठीक है। अब जैसे कि अब मैं ऐसी रेंडमली बताऊंगी कि मान लीजिए ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया, ये तो होगा पोल, ये होता है, ये लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ हम अपना ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे ए बी नाम का, ठीक है। तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इस मिरर से यहाँ तक कितना खड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम यू बोलते हैं, ठीक है। अब है फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, और इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज कहाँ बनेगी। जैसे कि आप जाहिर सी बात है हम मिरर के आगे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अब इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी या आगे बनेगी, तो उसको हम बी कहते हैं। तो ये होता है अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक बात और मैं बता देती हूँ कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि जो मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा u जो होगा नेगेटिव होगा। मान लो u की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये 10 है तो ये माइनस का 10 होगा। अब ये माइनस का 10 क्यों होगा, रीजन देंगे क्यों होगा माइनस का 10, ये इसलिए होगा क्योंकि हम हमेशा मेजर जो करते हैं ना, हम हमेशा स्केल से मेजर यहाँ से करेंगे, यहाँ से इधर से ऐसे मेजर करेंगे, और हमेशा इधर की तरफ, तो हम पीछे की तरफ जाएंगे ना मेजर करने में, पीछे की तरफ जाएंगे, तो इसलिए ये हमेशा माइनस का 10, माइनस का 10 कुछ भी हो सकता है, वो u माइनस का 10 हो सकता है, ठीक है। एक और चीज जो सबसे ज्यादा मेन है वो ये है कि जो फोकल लेंथ होती है, जैसे कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, यानी इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ जो है हम क्या रखेंगे, वो कभी नेगेटिव हो सकती है कभी वो पॉजिटिव हो सकती है। तो उसके लिए भी मैं बता देती हूँ कि जब भी कॉन्केव मिरर की बात आएगी, कॉन्केव मिरर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, तो बिना सोचे फोकल लेंथ माइनस रख देना, बस यही है इसका, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये दो कर लो। और हर क्वेश्चन जो मैं अपना कराऊंगी उसे मैं मेंशन जरूर करूंगी, और जब कॉन्वेक्स मिरर की बात आएगी, तो मैं यहाँ फोकल लेंथ अपनी पॉजिटिव रख देना बस, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो होता क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर u हमेशा नेगेटिव रखा जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हम पोल से इसको मेजर करेंगे, यहाँ से करेंगे तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, ये आगे की तरफ जा रहा है लेकिन हम पीछे की तरफ जाएंगे, तो u हमेशा नेगेटिव रखा जाएगा, और फोकल लेंथ
फोकल लेंथ पॉजिटिव रखी जाएगी या नेगेटिव रखी जाएगी मुझे नहीं पता, उसके लिए हमें क्या करना है ये देख लेना है। जब भी क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर होगा फोकल लेंथ माइनस रखी जाएगी, -10 -2 -3, जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ क्या रखी जाएगी, पॉजिटिव रखी जाएगी। ठीक है, तो मान लें ये मैं बना रही हूँ अपना कॉन्वेक्स लेंस बना लिया मैंने, ओके। अभी मैं न्यूमेरिकल से मैं सीधा इमेज बताऊंगी, ठीक है। तो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ मैंने अपने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होगा। अब इमेज जो बनेगी या तो वो पीछे बन सकती है या वो आगे बन सकती है, उसके लिए जब हम बी निकालेंगे तब मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव जाता है, ये सब पॉजिटिव है, लेकिन जब भी हम यहाँ से यहाँ तक इमेज का डिस्टेंस इससे नापेंगे यानी कि यू पता करेंगे, वो हमेशा माइनस में होने वाला है, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होगी, क्या कौन सा मिरर है ये मेरा, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स की मिरर की फोकल लेंथ होगी प्लस। अब बात आएगी बी की, तो बी मतलब इमेज यहाँ गई, इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी या इधर बनेगी। उसके लिए इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें फोकल लेंथ और यू पुट करके बी को निकाल लेंगे। अगर वी माइनस आता है, देखो यहाँ पर बात आएगी अब माइनस और प्लस की, अगर वी माइनस आता है, माइनस का मतलब माइनस आ रहा है, तो पीछे की तरफ इमेज इधर बनेगी, क्यों, क्योंकि माइनस आ रहा है यानी कि हम पीछे की तरफ जाएंगे, इमेज यहाँ बनेगी। अगर वी प्लस आ रहा है सॉल्व करके तो इमेज हमारी आगे की तरफ बनेगी, ठीक है। अब बात करेंगे, जैसे कि आपने बहुत सारा देखा होगा, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखते हैं, ये पोर्शन जो होता है हमेशा प्लस होता है और ये पोर्शन हमेशा नेगेटिव होता है। अगर इमेज नेगेटिव आ रही, वी अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो नीचे बनेगी और रियल इमेज होगी। रियल इमेज और इन्वर्टेड होगी, यानी कि रियल इमेज इन्वर्टेड का मतलब होगा कि वो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे कट कट के समथिंग कुछ यहाँ नीचे की तरफ बनी, यानी कि उल्टी बन रही है इमेज। तो देखो यहाँ वो ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ रखा, लेकिन कर करके इमेज यहाँ बनेगी। तो जब भी वी नेगेटिव आएगा यानी कि वो क्या बनेगा, एक तो इमेज रियल बनेगी इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी और इधर की साइड बनेगी, क्यों, क्योंकि हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अपनी कंफ्यूजन को थोड़ा सा मिटाते हुए न्यूमेरिकल्स आएंगे, तब इजीली समझ में आएगा। अब कहा है एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ अ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि मैं कौन सा मिरर बनाऊँ, मतलब कुछ भी बनाए ना, वैसे तो कॉन्केव मिरर ऐसा होता है कोई नंबर नहीं कटने वाले, कह रहे कॉन्केव मिरर पर के डिस्टेंस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है एक कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने तो होगी ना, सामने होगा, एक ऑब्जेक्ट खड़ा करा है कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पर, ये 10 सेंटीमीटर पर मैंने खड़ा कर दिया, ओके। तो फॉर्मूला आराम से पहले यहाँ लिख देती हूँ, 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ऐसी लिख दूंगी, मिरर की बात हो रही है। अब क्या बोला है कि कॉनकेव मिरर यानी कि देखो u तो मुझे 10 दे दिया, ये u होता है, u का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि मैं यहाँ से इसे मेजर करूंगी, तो u आ गया माइनस का 10। और कह रहा है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 15 है, ओके जी, फोकल लेंथ भी 15 है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि फोकल लेंथ मैं प्लस लूँ या माइनस लूँ, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर, ओके, तो -3 होगा। अब बोला है फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, अब इमेज कहाँ बनी है, इमेज इधर की साइड बनी है या इधर की साइड बनी है, बताओ तुम कहाँ बनी है, ओके, तो हमें यहाँ पर बी निकालना है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस को तो हम बी बोलते हैं। कुछ नहीं करेंगे, अपना ये फॉर्मूला उठाएंगे और अपना सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे, 1/v प्लस 1/u, 1/f मुझे गिवन है, वो है अपना कुछ माइनस का 15, ठीक है, तो सॉरी ये जो है अपना कॉनकेव मिरर है तो माइनस का 15, ओके, तो 1/v मुझे पता नहीं, 1/u मुझे पता है वो कितना है अपना, वो है अपना माइनस का 10, ओके, कुछ नहीं करूंगी, क्या करूंगी, ये माइनस का 15 है और ये माइनस का 10 हो गया, तो अभी इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा। प्लस का 10 क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का हमने देखा तो माइनस का 10 हावी है, माइनस है, तो माइनस का 10। अब मैं एलजेब्रा सारी एक तरफ और नंबर को एक तरफ करूंगी, ये मैं इधर ले आई। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर माइनस अपॉन में 15 कर दूंगी और प्लस अपॉन में 10,
एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम क्या आता है 30 आता है, 15 और 10 का एलसीएम 5 3 15, 5 2 10, 3 1 3 2 1 2, ये आ गया 30 बनाना है। ठीक है, तो इसको तो मैं कर दूंगी 3 से बेसिकली, सॉरी इसको 2 से कर दूंगी, इसको कर दूंगी 3 से, तो ये आ जाएगा अपना माइनस का 2 प्लस का 3 अपॉन में 1 अपॉन में भी आएगा 1 अपॉन में 30। रेसिप्रोकल अगेन, जैसे कि ये आ गया 30, अब वी बनाया 30, वी बनाया प्लस का 30, यानी के फिगर में आएंगे, फिगर में जाएंगे प्लस का 30, यानी कि प्लो पोल से अगर नेगेटिव जाता तो इधर बनती इमेज, प्लस का 30 यानी कि इमेज कहाँ, कहीं यहाँ कहीं इधर के पॉइंट में जाके बन रही है, यहाँ कहीं बन रही है इमेज। ठीक है, तो इस तरह हम पता लगाते हैं कि अगर v माइनस आता तो इमेज इधर की साइड बनती, कहाँ बनती कि उधर इधर की साइड बनती, माइनस का और उल्टी बनती, उल्टी क्यों बनती क्योंकि नेगेटिव होता, प्लस का 30 आ रहा है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने पता लगाया कि v इमेज डिस्टेंस इमेज कहाँ बनता है। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगी, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f का मतलब होता है इसकी जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ, और v का मतलब होता है इमेज कहाँ बन रही है, इधर की साइड बन रही है या इधर की साइड बन रही है, इसे हम कहते हैं। और जब कॉन्केव मिरर की बात आएगी तो फोकल लेंथ बिना कुछ करे माइनस ले लेना, कॉन्वेक्स की बात आएगी तो मिरर की बात आएगी तो फोकल लेंथ बिना कुछ करे जो है अपना प्लस ले लेना। इन क्वेश्चंस को और अच्छे से समझने के लिए मैं अपना सेकंड क्वेश्चन लाई हूँ। इस क्वेश्चन में देखना है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो यहाँ मैं कॉन्वेक्स मिरर बना लूंगी। अगेन कह रही हूँ कि मिरर कोई सा भी ले लो आप, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ से फर्क पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर ले लिया मैंने, और उसके बाद क्या कहा है कि इन ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से दूर खड़ा हुआ है, 20 सेंटीमीटर खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ये अपना u हो गया अपना माइनस का 20। माइनस का 20 क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो इमेज का डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, हम किसी भी मिरर के सामने ही अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और यहाँ से स्केल की हेल्प से हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तो हम पीछे की तरफ जाएंगे ना, पीछे की तरफ जाएंगे, तो इसलिए मैंने u माइनस का 20 लिया है। उसके बाद बोला है इसकी फोकल लेंथ 50, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 इमेज की। अब बोला है ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ अपनी प्लस की 15 आ गई। अब इन्होंने बोला है आपको यहाँ पर पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही, इमेज इधर बनेगी या इधर बनेगी, आप बताओ कहाँ बनेगी। तो हमें बी निकालना है, और साथ साथ एक नई चीज निकालना है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, देखते हैं हम कौन सी बनेगी। तो सबसे पहले हम अपना वो फॉर्मूला लगाएंगे, 1/s, 1/b प्लस 1/u। ओके, तो 1/s है 15, 1/b नहीं पता, 1/u कितना है माइनस का 20। ओके, अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पर हम माइनस का 15, ये माइनस का 20 है, इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा, सॉरी 1/20 हो जाएगा, यहाँ बन गया 1/p। ओके, तो ये 1 है, सॉरी मैं एक बार और यहाँ दिखा देती हूँ, 1/15 प्लस 1/20, एलसीएम लेंगे 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, 3 × 15 और 20, 5 × 5 5 4 20, 2 × 2 = 4 2 × 2, 3 × 15 15 × 3 3 × 60, एलसीएम अपना 60 बनाना है, तो इसे हम 4 से करेंगे, और इसे मैं किससे करूँगी 2 से करूँगी, सॉरी 3 से करूँगी, मुझे 60 बनाना है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन में 60, ये आ गया 1/d। मुझे क्या चाहिए, मुझे v चाहिए, v इज इक्वल टू रेसिप्रोकल 60/7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7 7 × 7 8 56, 8.5 आएगा v, यानी कि v आ रहा है आपका 8.5, सो हमारा v 8.5, यानी कि इमेज जो है वो 8.5 बनेगी, यहाँ की इमेज यहाँ जाकर बनेगी,
क्योंकि अगर ये माइनस में होता है तो इमेज इस पोजिशन में बनेगी, इमेज हमारी यहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी, 28.5 में यहीं कहीं बन जाएगी। तो अब उन्होंने बोला नेचर निकालो, इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वी माइनस में आता तो इमेज रियल होती और उल्टी होती, उल्टी मीन ऑब्जेक्ट को सीधा रखा है तो अब ऑब्जेक्ट अगर वी माइनस में आता है तो ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में उल्टी लगती, नेगेटिव। लेकिन वी हमारा प्लस में आया है तो एक तो इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, प्लस खड़ी हुई सेम दिखेगी, ऐसे ही यही खड़ी हुई बनेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये लाइन आपस में नहीं टकराई है, प्लस इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है उसी साइड, मतलब साइड पर, उसी के सामने बनेगी। तो ये था हमारा नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का मतलब अगर भी आपका माइनस में आता है तो इमेज जो है एक तो इधर बनेगी और उल्टी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अगर भी प्लस में आ रहा है तो वह आगे बनेगी इमेज और इरेक्ट यानी कि सीधी और वर्चुअल बनेगी। तो इमेज दो तरह की होती है, एक होती है वर्चुअल, एक होती है रियल। वर्चुअल क्या होती है, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है इमेज जो है वो पॉजिटिव सीधी बन रहे थे, ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज भी उसके सामने बनेगी। रियल क्या होता है, रियल मतलब इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज उसकी उल्टी, बिल्कुल उल्टी साइड में बनेगी। ये कब होता है, वी में, इसमें वी माइनस आना चाहिए, इसमें वी प्लस आना चाहिए। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आगे भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ओके जी, कॉनकेव मिरर, एक फिलहाल से कोई सा भी कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगेन खड़ा हुआ है उसके सामने, हम किसी भी चीज को अपने आप को मिरर के सामने रखते हैं तो खड़ा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहीं कहीं दूर खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो u इज इक्वल टू 15, कौन सा, माइनस का 15, अगेन मैंने बोला था क्यों होने वाला है, क्योंकि वो इधर से है, प्लस u हमेशा माइनस 15 होता है। सॉरी, नेक्स्ट है इसकी फोकल लेंथ 10 है, यानी कि जो लेंस की क्षमता है वो 10 है। अब यहाँ बात होगी कि 10 प्लस के लिए है माइनस के लिए, तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो माइनस का 10। अब हमसे बोला है आपको यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी। ये नेचर ऑफ इमेज निकालना है कि नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, इमेज रियल होगी, रियल यानी कि नीचे की तरफ जाएगी, या फिर वर्चुअल, वर्चुअल होगी, वर्चुअल मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो वो तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले पोजीशन ऑफ इमेज तो निकालू। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है वी, अगेन अपना मिरर फॉर्मूला, 1/f, 1/v प्लस 1/u। ओके, तो 1/f कितना है मेरा, माइनस का 10 है, ओके, और 1/v मुझे नहीं पता, 1/u कितना है, 1/u है, u है अपना माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/10। इधर आगे माइनस था, माइनस ही हो गया था, अभी इधर आके यहाँ पर ये प्लस का 1/15 हो जाएगा। अगेन एलसीएम लेंगे, 30 आने वाला है तो इसको 3 से करेंगे और इसको 2 से करेंगे, तो जाएगा माइनस का 3 प्लस 2/30, ये हो जाएगा माइनस का 1/30। तो 1/v, अब v इज इक्वल टू 1 माइनस का 30, तो v आया है माइनस का 30, यानी के इमेज इधर नहीं बल्कि इमेज इधर बनेगी माइनस का 30, यहाँ कहीं दूर जाकर बनेगी इमेज, इसी की साइट पर बनेगी इमेज, ठीक है। अब बात है नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर बताओ, इमेज कैसे बनेगी। देखो माइनस का 30 तो यहाँ इमेज बनने वाली है रियल और इन्वर्टेड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल और इन्वर्टेड, सबसे पहले वी, मैंने बोला था वी अगर माइनस का आता है या एम माइनस का आता है, सॉरी v माइनस का आता है, यानी कि माइनस का 30 और प्लस इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ इसकी साइड पर बनेगी लेकिन नीचे की तरफ बनेगी, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमने बताया था कि इमेज कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, इसमें भी यही बताया गया कि एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर का बना देंगे, कॉनकेव मिरर का एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कितने डिस्टेंस पर है, वो 14 डिस्टेंस पर है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी कि u
यू इज इक्वल टू माइनस का 14, ओके माइनस का 14 यू. अब बोले कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है अपनी 7, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज इक्वल टू आएगा अपना माइनस का 7. अब यहाँ बोलना है इमेज का पोजीशन निकालो, यानी कि वी निकालो और नेचर ऑफ इमेज भी निकालो. निकाल लेंगे, बहुत ईजी है. 1 अपॉन में एफ, 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू. 1 अपॉन में एफ है माइनस का 7, 1 अपॉन वी पता नहीं, प्लस 1 अपॉन में यू जो है माइनस का 14 है. ठीक है, तो अगेन हम यहाँ क्या करूंगी, मैं माइनस का 1 अपॉन 7 प्लस का 1 अपॉन 14. पता है ना क्यों प्लस का 1 अपॉन 14 हो गया, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, एलसीएम 14 ही आने वाला है, 14 ही आने वाला है, ये यू है सॉरी. तो इसको मैं 2 से कर दूंगी, ये आ जाएगा कुछ माइनस का 2 अपॉन में 14 प्लस का 1 अपॉन में 14. तो आंसर आएगा अपना माइनस का 1 अपॉन में 14, यानी कि 1 अपॉन यू आया माइनस का 1 अपॉन 14, यानी कि यू इज इक्वल टू माइनस का 14 अपॉन में 1, यानी कि यू सॉरी यू नहीं है, इट्स अ वी, ये वी है सॉरी. तो वी जो है, वी यानी कि हमारी पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, माइनस का 14, यानी कि इसी साइड पर बनेगी इमेज, इसी साइड पर बनेगी माइनस के 14. हाँ ऐसा भी हो सकता है इसी साइड पर बनेगी इमेज, इधर नहीं जा रही क्योंकि प्लस, अगर वी प्लस आता तो इधर की तरफ जाता, लेकिन वी इसी की साइड पे इसी की नीचे बनेगी. अब है नेचर बताना है, नेचर, नेचर मतलब कैसे, रियल या इन्वर्टेड. सबसे पहले इन्वर्टेड बनेगी उल्टी, क्यों, क्योंकि वी माइनस में आया है, एक तो माइनस पीछे, प्लस वो इसके बिल्कुल नीचे बनेगी. ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को मिरर के सामने बनते हैं, लेकिन उसकी इमेज उल्टी कब बनती है, उल्टी तब बनती है जब हम वी देखते हैं, हमारा वी क्या है, तो बिल्कुल इसके नीचे बनेगी. आई होप ये इस वीडियो का जो मैंने एक सिंपल सा, ये तो अभी सिंपल सा क्वेश्चन थे जिसके अंदर मैंने बेसिकली सिर्फ अभी मैंने सिर्फ जो है वी निकालना सिखाया, यू निकालना सिखाया, बताया. आगे चलकर मैं मैग्निफिकेशन फिर उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कराने जाऊंगी. बेसिकली ये मिरर फॉर्मूला है. तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू. वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसमें बताया है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, जिसको एम से डिनोट करते हैं. हमें ये पता चल गया कि एफ क्या होता है, यू क्या होता है, वी क्या होता है. ठीक है, एफ अगर माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इमेज जो है मिरर के सामने ऑब्जेक्ट के आसपास ही बनेगी और इन्वर्टेड उल्टी बनेगी. ठीक है, यू हमेशा माइनस का लेते हैं. ठीक है, और जो एफ आता है वो डिपेंड करता है, अगर वो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव है तो हम माइनस का लेंगे, अगर वो कॉन्वेक्स है तो हम प्लस का लेंगे. अब ये मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन बताने से पहले मैं इसके दो फॉर्मूले बताना चाहूंगी, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साथ साथ दूसरा भी है मैग्निफिकेशन, वी अपॉन में यू, यानी के हाइट ऑफ इमेज, वो सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दो इसके फॉर्मूले होते हैं. बेसिकली इससे पता क्या चलता है, इससे पता चल जाता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता चलता है. जैसे कि मान लीजिए ये मैंने समथिंग कुछ बनाया, अपना मिरर बनाया मैंने, मिरर में ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ रखा, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो अपनी 2 है. ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 है, ये 2 है. अब इमेज कुछ इस तरीके से यहाँ बन गई, चलिए यहाँ बन गई, और हाइट ऑफ इमेज कितनी है, वो है अपनी 4. हाइट ऑफ इमेज जो है वो अपनी 4 बन गई. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम HO से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को हम 4 से डिनोट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज को हम HI से डिनोट करते हैं. अब बोला इसका मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कितनी बड़ी है, इन दोनों में कितना फर्क है. अब मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज कितनी है, इमेज कितनी है, 4 है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 है. तो 2 कम 2 दूनी 4, तो मैग्निफिकेशन निकला यानी कि 2, यानी के इधर देखिए 2 इज इक्वल टू एच अपॉन में, इस तरह रखूंगी तो इसे देखो, तो यानी के हाइट ऑफ इमेज दुगनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी के इमेज बड़ी है. इस तरह पता लगाते हैं हम, मैग्निफिकेशन से हमें पता लग जाता है कि
करके हाइट ऑफ इमेज बड़ी आ रही है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा आ रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है या हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ी है, ये हमें पता लगता है। अब जैसे कि मैग्निफिकेशन अपना 3 है तो कैसे पता लगाएंगे कि इमेज बड़ी है या छोटी बनेगी, ठीक है? तो कुछ नहीं करेंगे, ये रखेंगे फॉर्मूला, रखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन 3 है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब 3 इधर चला गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज 3 गुने जो है बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है, मैग्निफिकेशन हमारी मदद करता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, बहुत हेल्प करता है हमारी, ठीक है? अगेन मैं आपको बता दूं कि मैग्निफिकेशन के अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या अगर ये दोनों ना हो तो यू और वी से भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ, फिर इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यार एक चीज और रह गई, अगर मैग्निफिकेशन 0 से 1 से छोटा है तो इमेज जो है वो बिग बनेगी, 1 से बड़ा आ रहा है इमेज बिग बनेगी, जैसे मैग्निफिकेशन 2 आ गया, मैग्निफिकेशन 3 आ गया, तो इमेज जो है वो बिग बनेगी। बिग कैसे बनेगी इमेज, जैसे कि मैं बताऊं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन मैंने 3 रखी तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 3 गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 गुने बड़ी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना होगा तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो इतनी बड़ी होगी, ठीक है? अब मैग्निफिकेशन अगर -1 से बड़े होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो बिग होगा, ठीक है? अब दूसरी तरफ ये है कि यदि मैग्निफिकेशन 1 से छोटी आएगी, यानी कि 0.36 कुछ भी आ जाए, 0.something 1 से छोटी आएगी, ठीक है ना, 1 से छोटी आएगी मैग्निफिकेशन, तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। जैसे कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन यहाँ बोला है इन्होंने 0.36 हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आएगा 0.36 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो 0.36 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से गुनी है, 0 से कुछ नहीं होगा, 1 से बड़ी होगी। अगर मैग्निफिकेशन की हालत 2, 3, 4, 5 आएगी तो इमेज जो है वो बड़ी बनने वाली है, इमेज ऑब्जेक्ट से काफी बनेगी, इमेज ऑब्जेक्ट इतना होगा तो इमेज काफी बड़ी बनेगी, ठीक है? मैग्निफिकेशन हमें यही बताता है कि इमेज बड़ी होने वाली है छोटी होने वाली, इस मैग्निफिकेशन के जरिए ही हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी 0.36, 0.5, 0 point something, तो इमेज जो है वो छोटी बनने वाली, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना होगा तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो इतनी होगी। तो मैग्निफिकेशन हमें यही बताती है, मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और बी अपॉन में यू, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये मैग्निफिकेशन का स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन है, इसके धीरे धीरे इससे आगे पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में आएंगे। कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर है, ओके कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें ऑटोमाइज किसी गाड़ी वगैरह में जो है वो एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ जो 3 है, यानी कि f जो है वो उस लेंथ की फोकल लेंथ सॉरी मिरर की 3 है। अब यहाँ कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो झट से हम प्लस का 3 ले लेंगे। उसके बाद बोला है कि एक बस लोकेटेड है 5 सेंटीमीटर दूर उस मिरर से, एक बस 5 सेंटीमीटर दूर उससे दूर है। अब भाई ये तो u की बात हो रही है, u का मतलब है माइनस का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बस है ना वो एक बस है, तो u वो कितना आएगा, u आएगा अपना लोकेटेड 5 सेंटीमीटर, ये u हमेशा नेगेटिव में होता है, ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। अब है आपको पोजीशन निकालना है, यानी कि v निकालना है, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है? लेकिन अब बोला है एक नई चीज निकालनी है कि नेचर भी निकाल लो, अगर v माइनस में आ रहा है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी माइनस में, और अपना मैग्निफिकेशन निकालो, ओके ये भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, 1 upon f = 1 upon v + 1 upon u, 1 upon f = 3, 1 upon v + 1 upon u - 5, 1 upon 3 ये हो जाएगा प्लस का 5 क्यों हो जाएगा, सॉरी 1 upon 5 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 1 upon v, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो 15 आएगा,
तो इसे हम 5 से करेंगे, इसे भी हम 5 से करेंगे, इसे हम 3 से करेंगे, इसे हम 3 से करेंगे, तो ये आ जाएगा कुछ अपना प्लस 5 प्लस 3 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में b, ओके, सो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 15, हमें तो b चाहिए, b क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 8, डिवाइड करेंगे कुछ तो 8 बंदा 8 तो ये आएगा 1 अपॉन में 8, हमारा इमेज, इमेज कब बन गई, इमेज बनी है 1.8 बनी है, यानी कि इमेज आगे बनेगी, यहाँ गई 1.8 बनेगी इमेज, ठीक है, अगर माइनस में आता भी, तो इमेज को मैं इधर लेके जाती, इसी की साइड में बनेगी, 1.8 बनेगी, अब बात यहाँ आ रही है कि इमेज को नेचर बताओ, नेचर बनाओ, रियल बनेगी या फिर इरेक्ट या फिर सीधी बनेगी, इमेज जो है वी हमारा 1.8 आ रहा है तो इमेज जो है ऊपर की तरफ बनेगी जिसे हम इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट और वर्चुअल कहेंगे, वर्चुअल यानी वो इसी की साइड खड़े होके बनेगी, ये रख ये है यहाँ पर बस वगैरह तो उसकी इमेज उसी की जैसी यहाँ पर बनेगी, ठीक है, यहाँ पर बनेगी उसी की जैसी, हाँ छोटी बन सकती है बड़ी बन सकती है वो भी हम देख लेंगे मैग्निफिकेशन से बना के, तो प्लस का है तो हम इधर लेगा यहाँ बनेगी ऊपर, अगर ये नेगेटिव होता तो मैं इधर लेके जाती और इमेज हमारी यहाँ बनती, अब तो बात हो गया इरेक्ट और वर्चुअल, अगर वी माइनस वी हमारा डिपेंड करता है, वी ही बताता है कि इमेज नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी, अगर वी नेगेटिव आता तो इधर जाती और नीचे बनती इमेज, अगर वी पॉजिटिव आता तो इधर जाते और ऊपर बनती, जिसे हम इरेक्ट और वर्चुअल बोलते हैं, इरेक्ट और वर्चुअल, अब बात करेंगे आप मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन, ओके, तो मैग्निफिकेशन का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आगे जाएंगे, तो मैग्निफिकेशन की मुझे पता है दो फॉर्मूले हैं, एक तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है माइनस का वी अपॉन में यू, ये दो होते हैं, अब ये देखेंगे इन दो में से कौन सा सूटेबल है मैग्निफिकेशन के लिए, क्या मुझे हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये तो मैं यूज करने वाली हूँ नहीं, मैं इसी से मैग्निफिकेशन निकालूंगी, मैग्निफिकेशन यहाँ रखूंगी, माइनस का वी क्या है 1.8, प्लस का है 1.8 रखूंगी यहाँ पे, और यू क्या है, यू क्या है मेरा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉइंट लगा के नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 18 अपॉन में 50, तो कुछ 0.36 आ गया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कुछ 0.36 आ गया, कोई बात नहीं, मैग्निफिकेशन अगर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, तो मैग्निफिकेशन तो 0.36 हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो अगर m 1 से बड़ा होता है तो क्या क्या होता है, इमेज बड़ी बनती है, बड़ी बनेगी बिग, यदि m 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो इमेज जो है वो छोटी बनेगी, तो यहाँ कौन सी बनेगी, इमेज यहाँ पे छोटी बनेगी, छोटी, जाहिर सी बात है शीशे में से देखेंगे तो इमेज छोटी नहीं बनेगी, एक तो इस साइड पे बनेगी उसके सामने, प्लस ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, यही बताता है हमें मैग्निफिकेशन, कि मैग्निफिकेशन निकालने के दो फॉर्मूले हैं, कौन सा पुट करें, और मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा आएगा यानी कि 2, 3, 5, 6 आए तो बिग बनेगी, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आया जैसे कि 0.36, यहाँ अपना मैग्निफिकेशन 0.36 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है इमेज छोटी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, तो इस तरह हमने बता दिया कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, आगे चल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम मैग्निफिकेशन के साथ साथ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिखाएंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन वो ट्विस्ट भी बहुत जरूरी है, कह रहा है कॉनकेव मिरर है, ओके, एक कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड एनलार्ज रियल इमेज, कह रहा है इसका मैग्निफाइड एनलार्ज 3 टाइम्स, यानी कि यहाँ मैग्निफिकेशन गिवन है, कह रहा है मैग्निफिकेशन यहाँ पर 3 है, ठीक है, अब बोला है वो मैग्निफिकेशन 3 होने के बाद वो इमेज जो बन रही है वो रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज कब बनती है, जब वी हमारा नेगेटिव होगा, वी हमारा नेगेटिव होगा और माइनस, यहाँ हम मैग्निफिकेशन को हम माइनस का 3 लेंगे, अब कहेंगे कि मैग्निफिकेशन माइनस का 3 क्यों लिया है, क्योंकि इमेज जो है वो रियल बन रही है, रियल का मतलब होता है वो कटती है और वो हमेशा नीचे की साइड जाएगी, नीचे की साइड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड जाएगी, रियल आ रही है इसलिए मैंने मैग्निफिकेशन
थ्री लिया है, अगर ना रियल करते मैग्नीफाइड ले लेते ठीक है, तब मैं मैग्निफिकेशन कुछ और लेती, मैंने कहा थ्री। अगर बी तुम्हारा माइनस का आ रहा है या एम तुम्हारा माइनस का आ रहा है तो समझ जाओ कि इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी है, उल्टी है अगर बी और एम नेगेटिव आ रहा है। अब बोला है कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन दे दिया और रियल इमेज बना रहा है एक ऑब्जेक्ट की। अब कह रहा है एक ऑब्जेक्ट जो है प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट, उसी मिरर के 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। हाँ खड़ा हुआ है। अब कह रहे हैं कि इसकी फोकल लेंथ भी नहीं दे रखी। अब बोला है कि यहाँ पर अब यार इमेज कहाँ बनेगी, तो हमें यू गिवन है, यू माइनस का 10 लेंगे। यू माइनस का 10 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से मेजर करेंगे यू हमेशा माइनस का 10 आएगा। अब कह रहा है इमेज कहाँ बनेगी, बी 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 निकालना है, मैग्निफिकेशन माइनस का है तो वी भी माइनस का ही आएगा। अब पहले हम यहाँ देखेंगे, हम अपने तीनों के तीनों फॉर्मूले निकालेंगे, 1, 2, 3, 1 अपॉन में f प्लस 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u। एक फॉर्मूला ये है जो सबसे पहले कराया था मैग्निफिकेशन का, माइनस का v अपॉन में u, एक मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे कहाँ से हमारा v निकल सकता है, यहाँ से तो निकल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास f नहीं है, अगर f होता तो मैं निकाल लेती, तो ये फॉर्मूला फेल हो गया। यहाँ से भी नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ तो हाइट में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से निकल सकता है हमारा मैग्निफिकेशन और u पुट करके आराम से मैं v यहाँ से निकाल दूंगी इसमें। तो मैग्निफिकेशन मैं यहाँ पर माइनस का 3 पुट करूंगी, माइनस का v मुझे नहीं पता, u मुझे पता है जो है अपना कुछ माइनस का 10, तो ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, माइनस का भी ये आ गया 30, कट गया इससे, लेकिन माइनस का 30 क्योंकि वो v था, v का साइन, तो v क्या है माइनस का 30, यानी कि मी जो है आगे जाके इसी साइड पर बनेगी और इमेज जो है वो यहाँ बनेगी उल्टी, ठीक है, माइनस का 30 और प्लस इमेज यहाँ बनेगी, यानी कि मैग्निफिकेशन जो था हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन तुम्हारा गिवन था माइनस का 3, हाइट ऑफ इमेज इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो थी वो 3 गुना बड़ी थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी कि वो बड़ी भी होगी और प्लस वो क्या होगी उल्टी होगी क्योंकि वो रियल बोल रहा था। देखा, इसलिए भी अगर माइनस है तो मैग्निफिकेशन भी माइनस आएगा। और दूसरी बात, अगर वन मैग्निफिकेशन वन से बड़ा है, वन से छोटा है, तो जो अपनी इमेज होगी वो छोटी बनेगी। और मैग्निफिकेशन यदि मैग्निफिकेशन वन से बड़ा है तो इमेज अपनी बड़ी बनेगी। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, हम अपने तीनों फॉर्मूलों को रख के देखेंगे, जहाँ से संभव हो रहा है वहाँ से निकालेंगे, फिर वो वैल्यू कहीं और भी रख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल और थोड़े से ट्रिकी होते जाएंगे। ट्रिकी मतलब इजी, मतलब निकालना पहले के क्वेश्चन हलवा लगेंगे इनके मुताबिक। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस बार ऑब्जेक्ट का साइज भी दे दिया है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ये बना लिया मैंने मिरर। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है जिसका इस बार साइज गिवन है, कितना साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज है 7। ओके, ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इस वक्त 7 है, और जाहिर सी बात है ये प्लस का होगा, वो किसी मिरर के सामने ही तो रखेंगे, उल्टा करके कोई रखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 है। अब और 27 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी कि इस बार यू भी दे रखा है, यू है 27 और माइनस का 27 लेंगे। उसके बाद बोला जिसकी फोकल लेंथ जो है आपके पास वो 18 है। अब बात यहाँ है कि फोकल लेंथ मुझे प्लस या माइनस लेंगे, किस चीज की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम नेगेटिव ही लेंगे, माइनस का 18, इतना तो आ गया समझ में। अब हो रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इमेज, इस मिरर में इमेज कहाँ बनेगी, मतलब बात तो वी की हो रही है ना, वी निकालना है, हाँ निकाल लेंगे, दो तीन फॉर्मूले रखेंगे, जहाँ सूट करेगा निकाल देंगे। उसके बाद बोला है आपको साइज ऑफ इमेज मतलब HI निकालना है, ओके निकाल लेंगे, और साथ साथ नेचर ऑफ इमेज वो भी निकाल लेंगे, अगर v अपना नेगेटिव आ रहा है तो तभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो v निकालते हैं, फिर मैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर पहुंचूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इधर 1 अपॉन में f, 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u,
वन अपॉन एफ गिवन है माइनस का 18 है, वन अपॉन में बी कितना है, वन अपॉन में बी मुझे नहीं पता, यू मुझे पता है वन अपॉन में 27, मैंने रख दिया इसके साइन के साथ ही रख दिया। अब वन अपॉन में माइनस का 18 प्लस का वन अपॉन में 27 और वन अपॉन में बी, एलसीएम लेंगे 18 और 27 का, देखो क्या आता है, 18 और 27 का एलसीएम लेंगे, 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, 3 1 3, 3 3 9, 9 2 18, 18 किया 54, 54 आ रहा है एलसीएम, 54 बनाना है हमें। ओके, तो 18 को मैं किससे करूँगी, ये माइनस का 18 है प्लस वन अपॉन में 27, इसको तो मैं करूंगी 3 से, 18 दिया 54 होते हैं, और 27 को किससे करूंगी, इसको मैं 2 से करूंगी, तो ये आ गया अपना माइनस का 3 प्लस का 2 अपॉन में 54, यानी कि 1 अपॉन में वी आ गया, माइनस का 1 अपॉन में 54, यानी कि वी, वी कितना आया है 54 आ गया, वी आ गया आपका 54, यानी कि वी 54, इमेज जो है वो इधर की साइड बनेगी, इधर की साइड बन रही 54 और रियल बनेगी, नेचर क्या होगा, वी कितना है 54, अब इमेज जो है वो रियल बनेगी, रियल और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी नीचे की साइड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बन गई, इधर आ गई ना वो, अब वो उल्टी बनेगी, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा गया लेकिन वो नीचे बनेगी। अब ये तो हो गई बात, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, आपको साइज नेचर तो निकालिए, साइज निकालो, साइज निकालने का मतलब है मैग्निफिकेशन के पास जाएंगे। ओके, तो आराम से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रखेंगे, हम माइनस का वी अपॉन में यू, मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरे मुझे क्या गिवन है, मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाँ यहाँ से रखूंगी, यहाँ से तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि ना तो मैग्निफिकेशन गिवन है ना हाइट ऑफ इमेज गिवन है, निकालना मुझे हाइट ऑफ इमेज है, तो यहाँ से ये एक चीज गिवन है, यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल कर, ये दोनों गिवन है, यहाँ पर से मैग्निफिकेशन निकाल के यहाँ रख दूंगी जहाँ पर मुझे दोनों गिवन होंगे और हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे माइनस का वी, वी कितना है मेरा, एक तो माइनस का वी, ऊपर से माइनस का 54 आया दोबारा, और यू कितना, यू कितना, यू कितना है 27, तो ये क्या होगा, ये अपना प्लस हो जाएगा और 27 54, तो मैग्निफिकेशन आया अपना प्लस का 2, मैग्निफिकेशन अपना प्लस का 2 आ गया। ओके, माइनस से माइनस प्लस, सॉरी माइनस का 2 आ गया, प्लस हो गया था, माइनस का 2 आ गया मैग्निफिकेशन, देखा मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है, यानी कि मैंने तो पहले ही बोला था अगर बी माइनस का है और मैग्निफिकेशन माइनस का तो इमेज तो रियल उल्टी बननी है, अब यहां से मैग्निफिकेशन माइनस का 2 इधर पुट कर देंगे, m is equal to height of image upon में height of object, माइनस का 2, height of image क्या है वही तो निकालनी है, वो निकल जाएगी, height of object क्या है, height of object है 7, तो ये आया माइनस का 14, height of image माइनस का 14 निकली, यानी कि height of object 7 था लेकिन height of image एक तो इधर गई प्लस उससे डबल बनी माइनस का 14, नीचे की साइड बनी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर और ऑब्जेक्ट 60 था तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो इधर नीचे की साइड बनी। इस तरह हमें इस फॉर्मूले के द्वारा, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के द्वारा हमें पता चलता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। कुछ नहीं करना, अपने सिर्फ तीन फॉर्मूले है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पुट करके हमें अपना निकालना है। अगेन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें मिरर दे रखा था और हमें इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था, फोकल लेंथ और वी निकालना था और हाइट ऑफ इमेज निकालना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ से वी निकाला, वी अपना कुछ माइनस का 54 निकला, उसके बाद हम मैग्निफिकेशन के पास गए क्योंकि इसी के पास हाइट ऑफ इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से तो निकला नहीं, यहाँ से वी और यू पुट करके मैंने मैग्निफिकेशन निकाला, फिर मैग्निफिकेशन मैंने यहाँ पुट करा, फिर यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है कि ये पेपर में आ सकते हैं। तो उसी के जैसा क्वेश्चन है कि 2.0 टॉल बॉय, एक इज अ प्लेस दैट इट्स अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है, उसके आगे एक 2.0 मतलब छोटा 2 मीटर का, सेंटीमीटर का एक बच्चा खड़ा हुआ है या फिर एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 2
2 सेंटीमीटर का। अब कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ यानी कि f इज इक्वल टू जो है वो 10 है। अब कॉनकेव की फोकल लेंथ हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे, माइनस का 10 लेंगे, और बोला द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बच्चे का डिस्टेंस मिरर से जो है वो 15 है। हाँ 15 है, तो यहाँ पर u भी हो गया अपना माइनस का 15। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, आपको नेचर निकालना है। वो नेचर तो तब निकलेगा जब मैं पोजिशन b निकालूंगी, b नेगेटिव आ गया तो मैं समझ जाऊंगी रियल और इन्वर्टेड है। आपको नेचर निकालना है और साथ में क्या निकालना है, नेचर निकालना है और साथ में आपको साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकाल, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बी निकालूंगी, वन अपॉन में एफ इज इक्वल टू वन अपॉन में बी प्लस वन अपॉन में यू। वन अपॉन में एफ कितना है, माइनस का 10 है। वन अपॉन में बी प्लस वन अपॉन में यू कितना है, माइनस का 15 है। तो अगेन माइनस का 1 अपॉन में 10 या आ गया अपना माइनस प्लस का 1 अपॉन में 15। एलसीएम अपना 30 आने वाला है, 30 आएगा एलसीएम। इसको हम 3 से करेंगे, इसको हम 2 से करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 2 अपॉन में 30। तो ये क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन में 30, तो वी आएगा अपना 30, यानी कि वी 30 आएगा, यानी कि जो इमेज है वो यहाँ पर इसकी साइड पर बन रही है, इधर बनेगी। अब बात है नेचर, नेचर क्या होगा इसका, जो इसका नेचर होगा वो होगा रियल और इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि हमारा ऐसे बनेगी इमेज, नीचे की साइड बनेगी, लेकिन कितनी बड़ी बनेगी वो भी देखते हैं, कितनी बड़ी बनेगी। अब यहाँ हमसे पूछा है कि आपको अब पोजिशन निकालिए, अब साइज ऑफ इमेज निकालो, साइज ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ, साइज ऑफ इमेज बात आती है मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले लिखेंगे, माइनस का वी अपॉन में यू और हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन मुझे कहीं पर भी गिवन है, अगेन इसी फॉर्मूले से निकाल के मैग्निफिकेशन यहाँ रख दूंगी तभी हो पाएगा, क्योंकि ना तो मुझे मैग्निफिकेशन गिवन होता तो मैं यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख के हाइट ऑफ इमेज निकाल लेती, लेकिन मुझे यहाँ नहीं गिवन है, तो मैग्निफिकेशन का ये भी तो फॉर्मूला है ना। तो मैग्निफिकेशन रखेंगे माइनस वी, वी कितना, एक तो माइनस का निशान माइनस का 30, ओके, तो माइनस का वी माइनस का निशान है, माइनस का 30 है, ये अपना प्लस हो जाएगा, और यू कितना है, माइनस का 15 है। तो मैग्निफिकेशन अपना आया माइनस का 2, यानी कि इमेज बड़ी बनने वाली है, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, इमेज बड़ी बनेगी, इससे बड़ी बनेगी, लेकिन कितनी, ये 2 है, ये कितना होगा, ये 4 होगा, दुगनी 4 होगा, इसका आंसर 4 आएगा, मैं पहले से बता रही हूँ। तो मैग्निफिकेशन यहाँ रखूंगी, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 है, तो ये 4 होगा हाइट ऑफ इमेज, तो एक तो उल्टा बना प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 बनेगा। इन क्वेश्चन के द्वारा बिल्कुल मैथमेटिकली कैसे इमेज बननी है वो इन क्वेश्चन से पता चलता है। कैसे पता लगा कि हमने पहले तो डिस्टेंस निकाला आराम से, मतलब यहाँ से बी निकाला इमेज का डिस्टेंस, तो इधर की तरफ आया, हाँ तो इधर बनेगी प्लस, अब नेगेटिव तो बनने वाली है, क्यों, उल्टी तो बनेगी क्योंकि बी जो है माइनस का है, लेकिन यहाँ पर साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट दे रखा था हमें, हाइट ऑफ इमेज, तो हम मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले के पास गए, दोनों को देखा, दोनों को साथ रखा, यहाँ से तो अभी होगा नहीं, पहले यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल के यहाँ पुट कर दी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 थी, हाइट ऑफ इमेज 4 आई। इस प्रकार इन सब क्वेश्चनों से, इन क्वेश्चन ये आगे चल के मुश्किल हो जाते हैं, इसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन मेरा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं लेंस कराऊंगी। तो पढ़ते हैं, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, ओके जी, यानी कि हाई ऑब्जेक्ट यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपनी 2 सेंटीमीटर है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर से एक जो ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो खड़ा हुआ है 32 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से दूर खड़ा हुआ है 32 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर ये बात हुई कि यहाँ पर हमें यू दे रखा है माइनस का 32 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, और क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर द इमेज इज रियल। अब कह रहे हैं यहाँ पर एक नया ट्विस्ट है कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है ना वो रियल है और इन्वर्टेड है, अच्छा, लेकिन वो 3 साइज रियल है और इन्वर्टेड है, और उसका जो साइज है वो 3 है, यानी कि यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज दे रखी है 3,
अब कह रहा है आपको फोकल लेंथ पता करनी है, फोकल लेंथ यानी कि पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें एफ पता करना होगा, वरना हमें एफ हमेशा दिया हुआ होता है, या तो बी पता करना होता है या यू। फोकल लेंथ पता करो एंड आपको पता करना है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, बी पता करना है। बेसिकली हमें ये चीजें पता करनी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, वो तो मैं देख लूंगी कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि रियल और इन्वर्टेड है, यानी कि इमेज जो है वो 3 सेंटीमीटर है और रियल और इन्वर्टेड है, यानी कि इमेज जो बनेगी ना। अब मुझे ये नहीं पता कि इमेज यहाँ बन रही है या यहाँ बन रही है, क्योंकि बी मेरा भी मुझे पता नहीं, बी पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आता भी तो मैं यहाँ बता देती, लेकिन नेगेटिव आता है भी तो मैं यहाँ बता देती। तो उन्होंने ना इमेज जो है वो रियल बन रही है। ओके, रियल यानी कि नीचे की साइड बनेगी इमेज, तो नीचे की साइड यानी कि माइनस का 3। आ गया समझ में एक बार। अब इन्होंने क्या बोला है, आपको कुछ भी करके फोकल लेंथ और पोजिशन ऑफ इमेज निकालो, कुछ मैग्निफिकेशन कुछ नहीं बोला। तो सबसे पहले मैं अपना ये वाला फॉर्मूला देखती हूँ, 1/f 1/v + 1/u, क्या इससे निकल पाएगा? नहीं, इससे निकल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो f गिवन है ना v गिवन है, बस u गिवन है, तो ये हो जाएगा फ्लॉप। अब अपना मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले देखती हूँ मैं। पहला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m इज इक्वल टू माइनस का v यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो, इन दोनों से निकल जाएगा। अगर मैं ये दोनों यहाँ पुट करूँ, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ, यहाँ से मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। मैग्निफिकेशन यहाँ डालकर यू ऑलरेडी गिवन है, वी निकल जाएगा। बस वी निकल गया तो बस फिर एफ भी धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले स्टेप में मैं क्या करूँगी, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के द्वारा एम निकाल लूंगी। इसलिए मैंने साथ साथ रखा ताकि प्रॉब्लम और कंफ्यूजन होने का चांसेस ना हो। तो m हाइट ऑफ इमेज कितना है, माइनस का 3, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 2। तो ये क्या आएगा, ये आएगा कट के मैग्निफिकेशन आएगा कुछ माइनस का 1.5। अब मैग्निफिकेशन यहाँ पुट करूंगी, माइनस का v मुझे गिवन है, v मुझे नहीं गिवन है, और u क्या है u है मेरा माइनस का 32। तो माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 32 माइनस का v, माइनस से माइनस कट जाएगा, 32 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कुछ 48। अब माइनस का v यानी कि 48, यानी कि इमेज जो है वो इधर, अब v आ गया मेरा माइनस का 48, यानी कि अब मुझे पता चल गया इमेज इसी साइड में आगे चल के नीचे की साइड की, आगे जाके नीचे की साइड में बनेगी क्योंकि वो रियल है। अब मेरा v आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो बस अब मुझे यहाँ पर u पता है, v पता है, यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को यूज करके मैं यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल लूंगी। तो अब मैं फटाफट क्या करूंगी, मैं यहाँ पर फोकल लेंथ निकालूंगी, 1/f 1/v + 1/u 1/f नहीं पता, लेकिन 1/v अभी अभी पता चला है मेरा माइनस का 48 है, और u क्या है, u गिवन था जो है अपना माइनस का 32। ये निशान जो है ऊपर ले लेंगे, सॉरी 48 और 32 का एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा, एलसीएम आएगा अपना कुछ 96 आएगा, 96 बनाना है, मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। 48 को किससे करूंगी जो 96 आए, 2 से। ओके, 32 को किससे करूंगी जो 96 आए, 32 को मुझे शायद 3 से करना पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया अपना कुछ 1/f = -2 - 3 और 96 हो गया, तो ये हो जाएगा अपना कुछ -5 और 96। तो अगेन रेसिप्रोकल क्यों, मुझे f चाहिए, तो हो जाएगा 96/5। तो मैं काट दूंगी 5 × 5 कुछ, 1 कटने के बाद ये समथिंग कुछ अपना आ जाएगा 19.5 माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस यानी कि फोकल लेंथ 19.5 आएगी, माइनस का 19.5। अब देखिए क्वेश्चन कैसे लिंक है एक दूसरे से। क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो देखा लास्ट में आंसर में नेगेटिव आ गया अपना, माइनस का 19.5। तो ये क्वेश्चन
आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, इनको समझना पड़ता है कि हमारे पास बेसिकली तीन क्वेश्चंस हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा मैग्निफिकेशन का, ये दोनों तीन फॉर्मूले ही हैं निकाल पाएंगे जो हमारी हेल्प करेंगे। तो इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ इमेज दे रखा था, फोकल लेंथ और बी हमें पता करना था। तो मैंने इन तीनों फॉर्मूलों को देखा, इससे तो निकलेगा नहीं, यहाँ पे पुट करके हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने मैग्निफिकेशन निकाला, फिर मैग्निफिकेशन यहाँ पुट करके वी निकाला, वी मेरा माइनस का आया, तो यानी कि इमेज यहाँ बनेगी। अब वी उसके बाद मैंने अपने जो पहला मेरा जो था, सबसे पहले मैंने वी पुट करके फोकल लेंथ निकाला जो आया माइनस का 19.5। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था मेरी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद मैं इसी वीडियो में लेंस के बारे में कराना चाहूंगी, उसके भी न्यूमेरिकल कराऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, तो हमने मिरर फॉर्मूले कर लिए, मिरर के बारे में समझ लिया। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f, 1/u प्लस 1/v। अब हम यहाँ लेंस की बात करेंगे। बेसिकली दो लेंस होते हैं, कॉनकेव, ये मेरा वाला लेंस है, मतलब मेरे स्पेक्स में लगा हुआ है, कॉनकेव होता है और ये होता है गोल अपना कॉनवेक्स। अब हम यहाँ ये बात करेंगे, इनको फिर से मैं अगेन कह रही हूँ कि इन क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज आप जाके वीडियो जरूर देख लें कि फॉर्मेशन की इमेज कैसे बनती है, उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अब जैसे कि मिरर फॉर्मूला था, अब ऐसी लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f, 1/v माइनस का 1/u, बस सेम है, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बस यहाँ बीच में माइनस का लग जाएगा। जैसे लेंस जो वैसा फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला था, उसमें था 1/f, 1/v प्लस 1/u, या आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस है। ओके, और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला, इसमें भी मैग्निफिकेशन है, कुछ फर्क नहीं है, मैग्निफिकेशन के भी ही दो फॉर्मूले हैं। एक तो है अपना हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे पता चल जाता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है इन सब के द्वारा, इन चीजों, ये सारे एक दूसरे से लिंक है। और दूसरा क्या होता है, वो होता है बी अपॉन में यू, उसमें मिरर में माइनस का बी था, यहाँ बी अपॉन में यू, पर ये तीन फॉर्मूले हैं और अगर मिरर के आ गए ना तो लेंस के भी इजिली हो ही जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ माइनस लग गया और यहाँ से माइनस हट गया। तो ये होते हैं लेंस के फॉर्मूले, लेंस का फॉर्मूला बीच में माइनस लगेगा मैग्निफिकेशन के, उसी तरह से मिरर की तरह भी यहाँ पर भी तीन फॉर्मूले हैं। ओके, तो लेंस के तीन क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ, अच्छे हैं, सेम डिट्टो है, लेकिन बस माइनस का थोड़ा सा निशान चेंज हो जाएगा, बोला गया है। और एक चीज और, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ वही रहेगी, जैसे कॉनकेव या कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होती है, कॉन्वेक्स लेंस या मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है, सेम है, कुछ नहीं है, बस ये सेम रहेगा, बाकी के वही रूल्स अप्लाई होंगे। बोला गया है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ पर भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी, यानी कि एच ओ गिवन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि ऊपर रहता है, एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स लेंस बना लेती हूँ, कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, का है, यहाँ से कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर अवे, 30 सेंटीमीटर पर दूर पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, तो यहाँ हमें u दे दिया माइनस का 30, सेम रूल वही u माइनस का 30 हो, क्योंकि हम पोल से लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 खड़ा हुआ है, इतना तो हमें कह दिया। उसके बाद बोला इसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ जो है वो 10 है। अब यहाँ बात है कि किस चीज़ की बात हो रही है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की फौरन फोकल लेंथ हो जाएगी प्लस का 10। ओके, तो अब हमसे क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पे पोजीशन और साइज और नेचर ऑफ इमेज निकालना है, ओके, और मैग्निफिकेशन भी निकालना है, यानी कि पोजीशन, ये है पूरा एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें मतलब पूरा का पूरा आ जाएगा। बोला है कि इसमें आपको पोजीशन यानी कि वी निकालना है कि इमेज कहाँ रखी हुई है, यहाँ रखेगी, यहाँ रखी जाएगी, साइज निकालना है यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, और नेचर निकालना है, निकल जाएगा, और मैग्निफिकेशन वो भी इजीली है, सब 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 निकलेंगे साथ, ये सब निकालना है। तो सबसे पहले मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करके देखो मैं क्या करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मेरे पास u और f है, तो यहाँ से मैं v निकाल लूँगी, जब v निकल जाएगा तो देखूंगी कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपना लेंस मेकर फॉर्मूला निकालूंगी जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, बस बीच से माइनस का निशान है, 1/f कितना है 10, 1/v गिवन नहीं है, 1/u कितना है, 1/u है माइनस का 30।
ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया, ये यहाँ प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस माइनस है, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, अब यहाँ पे प्लस का 10 यह आएगा माइनस का 30 वन अपॉन में बी, एलसीएम लेंगे 30 आएगा एलसीएम, तो यहाँ बस 3 बनाएंगे, तो ये आएगा अपना 3 माइनस का 1 अपॉन में 30, बी इज इक्वल टू 2 अपॉन में 30, यानी कि जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो सॉरी 30 अपॉन में 2, यानी कि बी आ जाएगा अपना 15, बी यानी कि इमेज जो है वो यहाँ आगे पोल से आगे यहीं कहीं 15 पर बन रही है, यानी कि बी अपना 15 है, ठीक है। अब बोल रहे हैं आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, ओके, तो मैं क्या करूँगी, मैग्नीफिकेशन को रखूँगी, शायद हो जाए, बहुत ईजी है, तो मैग्नीफिकेशन के दोनों फॉर्मूले रखूँगी मैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। दूसरा ये वाला है मैग्नीफिकेशन का, बी अपॉन में यू, लेंस में माइनस का नहीं होता, बी अपॉन में यू, तो मैं यहाँ देखूंगी कि हाइट ऑफ इमेज यहाँ से तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो मैग्नीफिकेशन गिवन है, बस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकाल के यहाँ से निकल जाएगा, वही सेम तरीका है, तो v कितना है मेरा, उसके साइन के साथ रखेंगे, और u कितना, u कितना, u कितना है, u है मेरा माइनस का 30, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, 15 × 15, 15 × 30, यानी कि मैग्नीफिकेशन आ गया आपका माइनस का 1/2। अब मैग्नीफिकेशन में यहाँ पुट कर दूंगी, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पुट करेंगे माइनस का 1/2, हाइट ऑफ इमेज पता ही नहीं, वही तो पता करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 4/2, हाइट ऑफ इमेज आ गई 2 × 2, 2 × 4, यानी कि माइनस का 2, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अब यहाँ पर आएगा, अब यहाँ से माइनस का 2 है, यानी कि 15 बनी प्लस माइनस का 2, अगर प्लस का 2 होता तो मैं यही बना देती, इमेज रियल और वर्चुअल बनती सीधी, लेकिन इमेज माइनस का 2 यहाँ बनेगी, छोटी बनेगी, छोटी कैसे, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो 4 है, अब यहाँ पर हमारी हाइट ऑफ इमेज जो है वो, हाइट ऑफ इमेज जो है वो माइनस का 2 है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 4 था और ये इससे छोटी बनेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्यों, छोटी, क्योंकि रियल मतलब ये कट रही है, नीचे की साइड बन रही है, इन्वर्टेड और डिमिनिश, छोटी बनेगी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, हमने अपना, सबसे पहले मैंने क्या करा था, सबसे पहले मैंने देखा, मैंने अपना बी निकाला, बी निकालने के बाद मुझे पता चल गया कि जो बी निकला है 15, यानी कि इमेज आगे की ओर बनेगी, ओके, इतना मुझे पता चल गया। उसके बाद मैंने क्या करा, मुझे ये नहीं पता था कि इमेज ऊपर बननी है नीचे बननी है, तो इसके लिए मैंने मैग्नीफिकेशन के दोनों फॉर्मूले रखे, मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालना था, मैंने देखा सबसे पहले, यहाँ तो यूज हो नहीं सकता था क्योंकि उन्हें ना तो मैग्नीफिकेशन गिवन था ना मुझे हाइट ऑफ इमेज गिवन थी, यहाँ से रखकर मैंने मैग्नीफिकेशन यहाँ रखा, फिर मैंने हाइट ऑफ इमेज निकाली। अब फिगर में देखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 4 था और हाइट ऑफ इमेज क्या है, उसकी बिल्कुल आधी है, आधी है ना, 2 हो गए, तो जब भी तो मैग्नीफिकेशन माइनस का 1/2 हो गया, तो कुछ नहीं करना, लेंस के फॉर्मूले में बेसिक मिरर वाला यूज होगा, लेकिन बस दो चीज चेंज है, एक तो यहाँ बीच में माइनस का निशान लग जाता है, और मैग्नीफिकेशन के पहले वाले फॉर्मूले यहाँ प्लस का भी हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा मजेदार, थोड़ा हटके है, देखते हैं। एट वॉटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यानी के वॉटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव लेंस, आपको यहाँ पे कॉनकेव लेंस बनाना है, कॉनकेव लेंस होता है, कह रहा है कॉनकेव लेंस है, यहाँ पर जिसकी फोकल लेंथ है 20, यानी कि फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 20, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ जो होगी माइनस का 20 होगी, ओके। अब बोला है कि 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो रखा है वो है 6 सेंटीमीटर, और इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और इमेज एट, इमेज का डिस्टेंस है ये हाइट नहीं है, इमेज दे दी, इमेज गिवन है कि इमेज जो है वो 15 सेंटीमीटर बन रही है, 15 सेंटीमीटर। अब बोला है फाइंड द लेंस फ्रॉम द लेंस, फाइंड साइज ऑफ इमेज, आपको यहाँ पे साइज ऑफ इमेज पता करना है। एक और चीज है, एक और चीज पता करनी है, वॉटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पता क्या करना है कि क्या डिस्टेंस होगा जो जिस पर वो खड़ा हुआ होगा। तो यहाँ हमें बेसिकली u भी निकाला, u जो देखना वो माइनस में निकलेगा। आ रहा है समझ में कि हमें यहाँ निकालना है कि आपको एक सबसे पहले कॉन्केव लेंस बनाना है, ठीक है, बना लिया। उसके बाद क्या फोकल लेंथ 20 है, तो देखेंगे कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ माइनस का है, माइनस 20 निकली है। 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस, उसके बाद इमेज जो है 15 सेंटीमीटर दूर बन रही है, यानी कि हमें वी भी दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि साइज ऑफ इमेज निकालो और साथ साथ आपको क्या निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर वी जो आएगा माइनस का आएगा। क्यों आएगा वी माइनस का? क्योंकि हमेशा इमेज फॉर्मेशन में कॉनकेव मिरर पे इमेज हमेशा यहाँ बनती है, कॉनकेव लेंस में, सॉरी, कॉनकेव लेंस पे हमेशा इमेज यहाँ बनती है, कभी वो यहाँ बनेगी नहीं, क्योंकि ये ऐसे फेंकता है, ऐसे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, नकली बनती है वर्चुअल। तो बी हमेशा यहाँ पे हमारा माइनस का आता है हमेशा भी माइनस का ही निकलेगा, क्योंकि इमेज कभी इस साइड बनेगी ही नहीं, कॉनकेव लेंस है, हमेशा इस साइड बनती है, तो माइनस का फेंकती है। ये बात कहीं लिखी हुई नहीं होगी, ये हमें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पहले हम इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे कि कहाँ बनती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास वी और ये, हम यू इजीली यू निकाल सकते हैं, ओके यू निकाल सकते हैं हम। तो वन अपॉन में एफ, वन अपॉन में वी, माइनस का वन अपॉन में यू, ओके। तो वन अपॉन एफ मेरा है, वन अपॉन में माइनस का 20, वन अपॉन में वी मुझे पहली बार गिवन है, जो कि अपना माइनस का 15 है, और माइनस का वन अपॉन यू है, ओके। तो मैं क्या करूंगी, एक तरफ एलजेब्रा एक तरफ कर लूंगी, नंबर एक तरफ कर लूंगी, ये हो जाएगा प्लस का वन अपॉन में 15। 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, ये अपना 60 आने वाला है। तो 20 को किससे करूंगी मैं, तो 60 आए 3 से करूंगी, 2 दिया 6 20 दिया 60। 15 को किससे करूंगी, 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 4 इज इक्वल अपॉन में 60। यहाँ माइनस का है, अभी माइनस का ये इधर आके, अब क्या हुआ, वन अप, ये अपना वन अपॉन में 60 आ गया, तो यू आएगा हमारा 60 माइनस का 60। देखा, यू हमेशा माइनस का 60 आता है, उसको तो आना ही है। क्यों माइनस का 60 आया, क्योंकि माइनस का वन अपॉन यू है ना यहाँ पर, तो उसका नीचे था वो, मैंने ऊपर ले गया, तो यू आ गया हमारा माइनस का 60, यानी कि ये जो डिस्टेंस था ये माइनस का 60 था। इतना तो हमने क्लियर कर लिया। अब बोला है आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना, अरे बहुत ईजी है, मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले देख लूंगी, जो होगा हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले हैं, एक तो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कुछ काम हो रहा है। एक है मैग्निफिकेशन का बी अपॉन में यू, माइनस का नहीं, बी। यहाँ पे क्या मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन भी नहीं है, नहीं यहाँ साइन निकल सकता, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, इमेज नहीं है। अगर ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। वी कितना है, वी है अपना माइनस का 15, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा इमेज इधर बनती है। और यू क्या है मेरा माइनस का 60, तो कट गया 15 चौके 60, तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4, यानी कि m आया हमारे पास 1 अपॉन में 4, यानी कि 1 अपॉन में 4 आया, तो m मैं यहाँ रखूंगी 1 अपॉन में 4। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरा 6, तो 6 बाय 4, 2 3 6, 2 2 4, यानी कि कुछ 1.5 आएगा, 2 1 2, एक उधर से ले, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमारी आई 1.4, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 6 था, लेकिन वो जब इमेज जो है वो इधर आई, और इधर आने के बाद हाइट ऑफ इमेज क्या रही 1.5, यानी कि यहाँ बनेगी 1.5, छोटी बनेगी। तो अब हम नेचर भी निकाल लेते हैं, नेचर के लिए क्या होगा, नेचर का मतलब इमेज जो है एक तो ऊपर बन रही है, यानी कि ऊपर बन रही है, इन्वर्टेड, नीचे नहीं जा रही, ऊपर बनने की, हाइट ऑफ इमेज नीचे जाती तो मैं रियल बोलती, ऊपर जा रही है तो ये इरेक्ट बन रही है और वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट और वर्चुअल बन रही है, साथ साथ ये सेम साइड पर बन रही है और छोटी बन रही है, स्मॉल बन रही है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, थोड़ा हटके क्वेश्चन था क्योंकि इसमें पहली बार यू को पूछा गया था और कॉनकेव लेंस इंट्रोड्यूस हुआ। कॉनकेव लेंस से हमेशा जो है डी जो होता है ना, मतलब जो इमेज बनती है वो लेंस की हमेशा आगे की साइड बनती है, इसलिए वो माइनस का हमने लिया। इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं वीडियो का, और लेंस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पहले मिरर का फिर लेंस का। अब बोला है व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। सबका सबसे पहले आप कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस बनाया, पोल रखा बीच में, बोला है व्हाट अ डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस में रखा जाएगा आप ये बताओ। तो यानी कि हमें क्यू निकालना है, यहाँ पे माइनस का निकलेगा देख लेगा, निकाल कॉन्वेक्स लेंस से निकालो जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 18 है ओके। तो अगेन कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस, ये चीज आप मिरर और उसमें भी देखेंगे साथ साथ, इमेज जो है अब कह रहे हैं अब इमेज बने, इमेज का साइज नहीं, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज का 36 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज जो है वो इधर बन रही है, यानी कि प्लस बन रही है, बी 36 दे रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दे रखा, इन्होंने बोला जिसकी फोकल लेंथ 18 है, इमेज जो है कुछ ना कुछ करके आगे बन रही है, ठीक है आगे बन रही है। अब ये हमसे कह रहे हैं कि इमेज आगे तो बन रही है, अब क्या करो, अब आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, इनके एम निकालना है, बस बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, हमें देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाँ मैं यू निकाल सकती हूँ, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा वन अपॉन में एस इज इक्वल टू वन अपॉन में वी माइनस का वन अपॉन में यू, यही है लेंस का फॉर्मूला तो यही है ना। तो वन अपॉन में एस कितना है 18 है, 1 अपॉन में भी कितना है 36 है, माइनस का 1 अपॉन में u। अब क्या करेंगे, एलजेब्रा एक तरफ और नंबर एक तरफ, ये आ जाएंगे अपने माइनस के निशान के साथ। 18 और 36 का एलसीएम लेंगे, 36 ही आने वाला है, तो बस इसको हम कर देंगे 18 दिया 36, ये बन जाएगा 3 माइनस का 1 अपॉन में 36, 1 अपॉन में u। तो ये बन गया 3 में से, सॉरी 18 दूनी 36 होते हैं, नॉट 18 दिया सॉरी 18 दूनी 36 होते हैं, 18 टू 36, तो 2 में से 1 गए 1 अपॉन में 36, प्लस का 1 अपॉन में था लेकिन अभी माइनस का 1 अपॉन यू है, तो u माइनस का है तो ये हो जाएगा 36, यानी कि u आया अपना 36 आ गया। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि u जो है 36 आया, यानी कि 36 पर इतना बना हुआ है, u आपका माइनस का 36 आया। अब इन्होंने हमसे आगे पूछा है कि आपको यहाँ मैग्निफिकेशन निकालना है, बस मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो होते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और बी अपॉन में यू। यहाँ से तो निकलेगा नहीं क्योंकि हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन नहीं है, यहाँ से मैं निकाल लूंगी वी कितना आया, वी आया मेरा 36 आगे बन रही है, तो सॉरी वो गिवन था, यू कितना है माइनस का 36, तो क्या होगा 36 से कम 36, तो मैग्निफिकेशन आया आपका माइनस का 1, यानी कि इमेज जो है वो एक गुना बढ़ेगी, जाहिर सी बात है इमेज कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगी ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन में हमने सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें लेंस के द्वारा यू निकालना था, और यू निकालने के बाद जिसे हम डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं वो हमारा माइनस का है क्योंकि वो हमेशा माइनस का आएगा, उसके बाद हमसे मैग्निफिकेशन बोला गया, ये देखे दोनों इन दोनों में से इसने हमारा काम किया ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आई होगी, मैंने इसमें अपने पूरी कोशिश की है कि मैं जो चैप्टर है हमारा लेंस का जिसमें हम रिफ्रैक्शन वगैरह दिखाते हैं उसके अंदर मैंने कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस सारे के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन करके वीडियो बनाई हुई है बहुत ईजी और अच्छे तरीके में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।